हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एचडी डिफेंस में। दोस्तों, हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के हालात बद से बदतर हो चुके हैं और आज के वक्त में पाकिस्तान के लोग दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। और पाकिस्तान में एक क्राइसिस की मुसीबत कम नहीं हुई थी कि अब एक और मुसीबत पाकिस्तान सरकार के सामने आ खड़ी हुई है। आज एक कहावत दोस्तों सत्य होती हुई दिखाई दे रही है कि जैसा बोओगे वही पाओगे। आज पाकिस्तान दो हिस्सों में बढ़ चुका है और उसकी वजह पाकिस्तान की बनाई हुई खुद की तहरीके तालिबान हैं। आज दोस्तों पाकिस्तान को दो सरकारें मिलकर चला रही हैं, एक शहबाज शरीफ की सरकार और दूसरी तहरीक तालिबान की। और देखा जाए दोस्तों तो अफगानिस्तान में जब शुरू तालिबान सरकार आई थी, भारत को थोड़ी सी चिंता होने लगी थी कि तालिबान और पाकिस्तान के साथ खूब बनेगी, लेकिन मौजूदा हालात देखें तब तालिबान पाकिस्तान को रत्ती भर भी भाव नहीं दे रहा है और उल्टा सीमा विवाद को लेकर दोनों ही देशों में खटास पैदा हो चुकी है। और ये कम था कि खराब अर्थव्यवस्था और सियासी संकट से जूझ रहे पाकिस्तान में तहरीके तालिबान ने पाकिस्तान से युद्ध की घोषणा भी कर डाली। हालांकि खराब अर्थव्यवस्था तो दोनों ही देशों की थी, लेकिन अफगानिस्तान अपनी अर्थव्यवस्था के लिए भारत की तरफ देख रहा है और पाकिस्तान का थोड़ा अलग माइंडसेट है कि लोन लो और अपने देश को चलाओ। अब ऐसे में दोस्तों पाकिस्तान को कोई भी देश अब लोन भी नहीं दे रहा है, क्योंकि वह न कोई इम्पोर्ट करते हैं ना कोई एक्सपोर्ट करते हैं। और कोई भी दोस्तों देश अगर दूसरे देश को लोन देता है तो यह उम्मीद से देता है कि आज नहीं तो कल हम इनके देश से अपनी रिकवरी मनी वापस ले लेंगे। और हमारे देश ने दोस्तों अफगानिस्तान के लोगों की मदद के लिए 50,000 मेट्रिक टन गेहूं भेजा था, वो भी दोस्तों बिल्कुल फ्री। और अफगानिस्तान और पाकिस्तान का डूंगर सीमा पर बढ़ते सीमा विवाद के चलते अफगानिस्तान ने उस सीमा वाले क्षेत्र को ही अपने कब्जे में ले लिया है। और ऐसे में किसी बड़े देश का समर्थन तालिबान को अगर मिल जाए तो क्या नहीं कर सकता। और जो पाकिस्तान ने धोखे से हमारा पीओके ले लिया था, अब भारत के लिए उसे पाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन मात्र हमारा भारत अपनी फर्स्ट पॉलिसी की वजह से रुका हुआ है। और पाकिस्तान दोस्तों बहुत अच्छे से जानता है कि अगर इस भुखमरी के दौर में हमने भारत को छेड़ा तो भारत हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा। और तालिबान भी दोस्तों भारत का संपूर्ण मदद करेगा। और आज के समय तालिबान भी पाकिस्तान से खूब नाराज है, क्योंकि पाकिस्तान ने ही अमेरिका को अपने वायु बेस से अफगानिस्तान में ड्रोन एक्टिविटी करने की परमिशन दी थी। और एक बार पाकिस्तान की वायुसेना ने अपनी एयरफोर्स से तालिबान पर आक्रमण भी किया था। तालिबान बस किसी बड़े देश के समर्थन के लिए इंतजार में बैठा है दोस्तों। और जैसे ही तालिबान को अगर किसी देश का समर्थन मिल जाएगा तो वह पाकिस्तान पर कब्जा करने के साथ साथ उसमें राज भी करेगा और उस देश में सीरिया कानून भी ला सकेगा। वैसे दोस्तों आपकी क्या राय है तालिबान और पाकिस्तान के बीच इस कॉन्फ्लिक्ट को लेकर, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर से दें। साथ ही दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एवं शेयर करें। और इसी के साथ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर लें दोस्तों, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही डिफेंस एवं फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।